हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी पल्स पीढ़ी साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पल्स मैटर पर पैसे मिलने की प्रक्रिया का प्रोसीजर बहुत लूज़ चल रहा है। तो दोस्तों, उस लूज़ चलते हुए मैटर पर अभी हमारे पास एक और नोटिफिकेशन आई है, जिसको और लंबा घसीटा गया है 5,000 वाले प्रोसीजर को। खबर क्या है दोस्तों, 15 जनवरी 2020 की एक लेटेस्ट खबर है। उसमें आपके दावे आवेदनों में जो गलत कैप्चे भरे गए हैं, उससे रिलेटेड यह खबर है। दावा आवेदकों में कमी स्थिति देखने और उन कमियों को अच्छा करने की सुविधा, जी हाँ दोस्तों, उन्हें सुधारने की सुविधा। पूरी खबर क्या है ये सुनाने से पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको हम आज बहुत लेटेस्ट न्यूज़ और भी देने वाले हैं, जो आपके दिमाग से गलत भ्रम भ्रांति निकाल देगा और बता देगा कि स्पष्ट तौर से कि किन निवेशकों के पैसे मिल रहे हैं और किन निवेशकों के नहीं मिल रहे हैं। ये हम बात इस वीडियो में करेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले हम आपको ये सेबी विभाग की तरफ से जो नई नोटिफिकेशन आई है, इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे, फिर अगली जानकारी बाद में देंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब करे कि पूरी खबर क्या है। न्यायमूर्ति सेनाविरति आर एम लोढ़ा समिति ने PSEL के निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें क्लेम राशि 5,000 के निवेशकों को 381,603 ऐसे निवेशकों को भुगतान किया जा चुका है। हालांकि कुछ अनुप्रयोगों में या अधिक कर्मियों के कारण आगे संशोधित नहीं किया गया। इनका कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कुछ निवेशकों के बॉन्ड भरने में जो कमी पाई गई है, उनको आगे अभी नहीं भेजा गया है, पैसे देने की प्रक्रिया नहीं चालू की गई है। उनमें कुछ संशोधन कराने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये न्यूज़ दी है। क्या संशोधन कराना चाहते हैं, आइए वो हम आपको बताते हैं। समिति ने 3 दिसंबर 2019 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि अभी निवेशक आवेदकों को 5,000 उनके दावे के आवेदन में कमी पाई गई थी। उनके दावों पर लागू होने वाली अच्छी कमियों को पूरा करने के लिए, ताकि उनके दावे को संशोधित किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, जो हम आपको बता रहे थे वही ये बता रहे हैं कि उनमें जो कमियां पाई गई हैं उनको सही करने के लिए आवेदकों को अब तक 5,000 रुपये का अनुरोध है। https://sebirefund.com पर ऑनलाइन उनके दावे के आवेदनों की स्थिति की जांच करें और यदि कोई हो तो कमियों को सुधारें। यहाँ दोस्तों, ये इनका कहने का मतलब ये है कि अगर अभी तक आपके पैसे नहीं आए और आपके कमियों में कुछ कमी है, आपके भरने वाले फॉर्म में कुछ कमी है, तो इस पोर्टल पर आपको ये सुविधा दी जाएगी और उन कमियों को दोबारा सही करा जाएगा, जो 24 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये जांच का जो प्रोसीजर चलाया जाएगा दोबारा कमियों को सही करने के लिए, आपको ये डेट दी गई है, 24 जनवरी से ये चालू हो जाएगी। दावा आवेदकों की स्थिति और कमियों को सुधारने की अंतिम तिथि भी यहाँ पर दे दी गई है, 31 जुलाई 2020 ये अंतिम तिथि दी गई है, जो आप अपनी बॉन्ड से संबंधित कमियों को सुधार सकते हैं, और उसकी लास्ट तारीख 31 जुलाई 2020 यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। अब हम आपसे दोस्तों ये बता रहे थे, ये सब तो 5,000 के प्रोसीजर वालों की कमी के लिए है, लेकिन बड़े निवेशकों के जो यहाँ पर 50,000 और 1,00,000 तक के रिफ़ंड कराने के बड़े बड़े दावे हमारे YouTube चैनल माध्यम से जो दे रहे हैं दोस्तों, उनकी बात अगर माने तो दोस्तों हमारे तो बहुत पैसे निवेशकों के मिलने शुरू हो गए, लेकिन यहाँ पर तो 5,000 ही से भी बता रहे हैं दोस्तों, ये कैसे मामला है। मामला दरअसल ये है दोस्तों, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल पर हम लोगों ने बॉन्ड भरे थे, तो साइबर कैफे वालों के यहाँ पर जाके भरे, उन्होंने साइबर कैफे वाले ने उल्टे सीधे कैप्चे भरे और आपके बॉन्ड गलत सलत भरे, उनका हर्जाना तो आपको भुगतना ही पड़ रहा है। और ये जो बड़े बड़े पेमेंट करा रहे हैं, ये भी यही साइबर कैफे वालों को साइड मिल गई और इन्होंने यहाँ पर अपने चैनल स्थापित कर दिए और अपने नए से नए
बढ़िया से बढ़िया अपनी साइट बनाकर और उस पर झूठे 50,000 कर 1 लाख के आवेदन कराने शुरू कर दिए। कुछ ऐसी झूठी खबरों की ट्रैफिक और ऐसे चैनलों की भरमार स्टैम्प PSEL के न्यूज़ देने वाले वालों की हो गई है। और दोस्तों, इससे सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही है कि निवेशकों में गलत भ्रम भ्रांतियाँ फैल गई हैं कि 50,000 वालों या 1 लाख वालों का शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि 5,000 वालों का प्रोसीजर ही अभी चालू हुआ है, तो हमारी कोई मानने को तैयार नहीं है भाई। अब नहीं मानने को तैयार जो झूठी न्यूज़ों के जो ये हमने आपको खुलासे किए हैं, ये यही हैं, क्योंकि जानते कुछ है नहीं, इन्होंने गलत कैप्चे भरे और अब गलत जानकारियां देने के लिए चैनल खोल कर बैठे हुए हैं। साइडें गलत बनाते हैं और साइडों पर गलत न्यूज़ें छोड़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसे चैनलों से सावधान रहिए, और ये गलत कार्य जो कर रहा है, एक दिन इनका हर्जाना इनको भुगतना पड़ेगा, ये मैं दावे से कहता हूँ दोस्तों। इसलिए हम कभी भी कोई गलत न्यूज़ नहीं देते, ताकि